जय हिंद, आपका ऑल इन वन रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं मोबाइल पर टाइपिंग कैसे करें। उसके लिए हमें एक OTG केबल चाहिए जो कि आपको 15 से 20 रुपए में किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। और आपको हमें USB कीबोर्ड चाहिए जो कि अब USB कीबोर्ड ही आता है और कोई कीबोर्ड नहीं आता है। और तो और ये हो गया। इसके बाद जो सेशन जो दो और आने वाला है वीडियो, जिसमें बताएंगे कि हिंदी में किस उंगली से कौन बटन दबेगा और इंग्लिश में किस उंगली से कौन सा बटन दबेगा, तो उस वीडियो को भी मिस नहीं करिएगा आने वाले समय में वो भी। हम चलते हैं मोबाइल पे जिसपे एक ऐप डाउनलोड करना है। हमारे पास दो ऐप है, एक ऐप ये है और एक ऐप टाइपिंग बाबा वाला है। लेकिन दिक्कत इस ऐप में ये है कि ये जो ऐप है इसमें आपको हिंदी का कुछ वर्ड है जो कि दबाइएगा तो गलत दब जाता है। आप दबाइएगा सही लेकिन दिखाएगा वहाँ पर गलत, तो इसलिए मैं इस ऐप में है। अच्छाई इसमें यह है कि इसमें टाइमिंग आपको ड्यूरिंग टाइम जो है 1 घंटे तक का है और इसमें 10 मिनट का है, यानी अगर आपको 1 घंटा मारना है तो इस ऐप जो टाइपिंग बाबा जो मैं बताऊंगा और मैं यही रिकमेंड करूंगा, इसमें सारा कुछ सही है बटन, तो इसमें आपको 6 बार करके करना होगा और इसमें आप 1 बार में 1 घंटे का टाइमिंग लगा सकते हैं। तो यार 1 घंटे का टाइम लगाने से क्या फ़ायदा है जबकि वो गलत ही टाइप होगा, उससे अच्छा है कि हम 10 बार ही कर लेंगे। तो आइए पहले हम इसके बारे में देखते हैं, फिर मैं उसको भी आपको मैं बता दूंगा। इसका कुछ इंटरफेस इस तरह से है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज दे रहा है, इंग्लिश का दे रहा है और आपको कुर्ती दे 0.10, यानी यही हमको सीखना है क्योंकि ऑफिशियल यूज के लिए यही दोनों जरूरी है, इंग्लिश और 0.10 दोनों। तो पहले हम एक बार ट्रायल करते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, टेस्ट का आपको दिया है, प्रैक्टिस का दिया है और आप यहाँ पे नोट पैड की तरह यानी कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टेस्ट हिस्ट्री भी दिया हुआ है। तो आइए हम टाइपिंग टेस्ट पर चलते हैं और करके यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है मैंने बताया अभी कि इसमें केवल 10 ही मिनट का है और उस ऐप में 1 घंटे का है, लेकिन वो कोई फायदे का नहीं है क्योंकि उसमें कुछ बटन है जो सही दबाएगा उसके बावजूद भी गलत दबते। 10 मिनट पे हम करें और इसके बाद बाकी कुछ आपको सेटिंग नहीं करना है। आप ऊपर में अपना नाम लिख सकते हैं, बाकी स्टार्ट पे करेंगे और इसका टाइमिंग तब तक नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप कुछ दबाएंगे नहीं। इसके बाद हम जो कीबोर्ड है इसको इस तरह से जैसे चार्जर की तरह हम इसे कनेक्ट कर देंगे। चार्जर कनेक्ट हो चुका, कनेक्ट हम कर दिए। इसके बाद हम टैप कर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम लिखना है, जब स्टार्ट करेंगे और ऊपर में देखिए ऊपर में आपको स्पीड दिखाएगा, टाइमिंग दिखाएगा और एक्यूरेसी दिखाएगा। और जब तक जैसे ही मैं की स्टार्ट करूंगा मेरा टाइमिंग स्टार्ट, जैसे लिखा गया है फाइनल FINAL फाइनल, सही लिखेगा तो ग्रीन हो जाएगा और गलत जैसे मैं देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिखा जिसको मैं SO करता हूँ तो देखिए ये मेरा रेड हो जाएगा, यानी सही पे ग्रीन और गलत पे रेड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हिंदी वाले का। यहाँ पे आपको लैंग्वेज में हिंदी सेलेक्ट कर लेना होगा, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट पर जाना होगा और इसके बाद आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं है। टाइमिंग आपको यहाँ 10 मिनट रख लेना है क्योंकि एग्जाम 10 ही मिनट का होता है। इसके बाद स्टार्ट करिएगा और इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है जैसे आप लिखना स्टार्ट करिएगा आपका टाइमिंग यहाँ पे क्लिक करके तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हटाना तो ग्रीन, जैसे दुनिया लिखा हुआ तो दुनिया को मैं केवल क्या लिख दूँ, दुखिया लिख देता हूँ, दुखिया में लिखा तो देखिए यहाँ पे रेड हो गया। तो आपको ऊपर में देख ही रहे हैं, यहाँ पे स्पीड भी दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है और एक्यूरेसी भी दिखा रहा है। और सेकंड ऐप के बारे में हम बात करते हैं अब थोड़ा, ये ऐप तो हो गया। उस ऐप के लिए आपको कुछ करना नहीं है, प्ले स्टोर पर जाना है और प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है, तो मैं निकाल देता हूँ कीबोर्ड और यहाँ पर आपको टाइपिंग टेस्ट सर्च करना है। तो ध्यान से देखिए टाइपिंग टेस्ट जैसे इसको सर्च करिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगभग 3rd नंबर पर यह है, थोड़ा इसका लोगो भी देख लीजिए। और इसमें कुछ इस ऐप के बारे में आपको बता ही देता हूँ क्योंकि आप भी सोचेंगे कि अब सर आपके जो मन में क्वेश्चन चलता है कि नहीं मैं 1 घंटे वाले भी करूँगा, तो दोस्त इसके इन दोनों के अलावा कोई और अच्छा ऐप नहीं है। और अगर आपको इंग्लिश करना है तो इस ऐप को आप यूज कर, इसमें भी लैंग्वेज में देखिएगा तो लैंग्वेज आपको कुर्ती दे 0.10 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये भी है लेकिन आपको बताए हैं कुछ उसमें मिस्टेक है। और यहाँ पे गिव ए टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं गिव ए टेस्ट तो आपको टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे काफ़ी जैसे वहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ था वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप कोई भी कर लीजिए। और यहाँ पे यहाँ जैसे यस करिएगा तो आपको हो गया। और ऊपर देखिए टाइमिंग जो दे रहा है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग आपको कितना दे रहा है, 1 घंटे तक दे रहा है, यानी आप 1 घंटे तक कर सकते हैं लेकिन भाई गलत है इसमें, तो इसको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। और केवल इंग्लिश के लिए आप करना चाहते हैं तो हाँ इस ऐप को आप यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और बाकी का जो सीरीज है दो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा।